हमारे गुरुजी को मारकर चला गया है। इन्हें हमारे डेरे तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। देखिए, एक साधु की सहायता करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा। हमें छोड़कर मत जाइए। ठीक है, पीछे गाड़ी में बैठ जाओ। रुक जाओ आनंद। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर वो एक्सीडेंट? वो तो हमारी माया थी। माया समझते हो ना? तुम क्यों नहीं समझोगे? तुम्हें तो बहुत लंबा अनुभव है हमारी मायावी शक्ति का। देखो गोरखनाथ, अब मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारी माया के चक्कर में आ जाऊंगा। मेरी ताकत के सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम हमें जान से मार डालोगे? तुम जिसे 15 वर्ष तक हमने अपनी तंत्र विद्या से सांप बनाकर ही इसी जगह में बंद कर रखा था। हम चाहें तो तुम्हें दोबारा उसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां तुम थे। हमने सोचा था कि तुम हमारा काम खत्म कर दोगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। तुमने हमें धोखा दिया है, गोरखनाथ को छला है, हमारे क्रोध को भड़काया है। हमने तो तुम्हें मणि पाने के लिए नीलम को धोखे से अपने प्यार में बांधकर यहां लाने के लिए कहा था, उसे शादी ब्याह रचाने के लिए नहीं। शादी करना अपराध नहीं है। लेकिन हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा तुम्हें और नीलम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। नीलम मेरी होने वाली पत्नी है, अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो याद रखना, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा ढोंग का ये अड्डा, मैं सब कुछ चलाकर राख कर दूंगा। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है मूर्ख। अब तू नहीं बच सकता, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भैरो भैरो। अभी तक सोई नहीं? 12 बजने वाले हैं। आनंद अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। वो तो कह रहे थे खेती के लिए दवाई और खाद लेकर शहर से शाम को ही लौट आएंगे। तो ऐसा कर दिनू, बड़ी हवेली चला जा, शायद नीलम को कुछ पता हो। ठीक है माँ जी, मैं पता करता हूँ। माजी, नीलम बेटी। माजी, कुछ पता चला? नहीं बेटी। माय गॉड, आखिर कहाँ गए होंगे? कुछ समझ में नहीं आता,
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है, हो सकता है किसी जरूरी काम से शहर में रुक गया हो। मुंशी जी जी कुछ आदमी भेजकर फौरन पता लगवाइए। जी अच्छा। क्यों बहुत कष्ट में हो हा? चार दिन में इतना घबरा गए? देख लिया गोरखनाथ से टकराने का फल, अब तो तुम्हारे भाग्य में जीवन भर तड़पना और तुम्हारी नीलम के नसीब में रोना ही रोना लिखा है। जानती हूं तुम लोग नीलम की वजह से बहुत परेशान हो। जब तक मैं जिंदा थी मेरी वजह से भी तुम लोग ऐसे ही परेशान रहते थे। न जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे यह भी मालूम है कि तुम नीलम पर कोई आंच नहीं आने दोगे, लेकिन तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। गोरखनाथ बहुत सिद्ध पुरुष है, उससे तुम बहुत दिन तक नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं चाहती हूं कि एक बार तुम नीलम को उस मणि का स्पर्श करवा दो। वो उस मणि को छू लेगी तो उसके अंदर वो सब शक्तियां अपने आप आ जाएंगी जो मेरे अंदर थी। उन शक्तियों को पाकर नीलम गोरखनाथ का हर तरह से मुकाबला कर सकती है।
यहाँ कैसे आ गई? निकल चलो यहाँ से जल्दी। लड़की मूर्ख है, वो नहीं जानती वो किससे टक्कर ले रही है। भैरव, भैरव, हमारे क्रोध की ज्वाला उन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी में आओगे। नीलम, मेरे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे गोरखनाथ से छुटकारा मिला। गोरखनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरी जिंदगी का डरावना इतिहास है नीलम। जब मैं 7 साल का था, गोरखनाथ मुझे मेले से उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया जहां गोरखनाथ सिद्धि कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बलि चढ़ाकर अपनी सिद्धि पूरी करेगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसने मेरी बलि नहीं दी, बल्कि शमशान में खोपड़ियों के बीच लिटाकर मेरे ऊपर काले ओढ़ फेंककर मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर एकता गया, मैं बेहोश हो गया और उसने अपनी तंत्र विद्या से मुझे सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर दिया। पूरे 15 साल मैं उसी तरह पिटारी में बंद रहा। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। लेकिन अचानक एक दिन गोरखनाथ ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो तुम मणि लेने के लिए मेरे पास आए थे? मैं तुम्हारे पास आया जरूर था, लेकिन मणि मुझे नहीं, गोरखनाथ को चाहिए। बल्कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें उसके हवाले करने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि उस तांत्रिक के हाथों जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, मैं नहीं चाहता कि वही तकलीफें तुम भी उठाओ। इसलिए उसने अपने तंत्र विद्या से दोबारा मुझे अपने वश में कर लिया और अब मुझे जीने के लिए गोरखनाथ का खून करना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी साधु की हत्या करो। तुम नहीं जानती नीलम, उसे मारने से बहुत लोग बच जाएंगे। अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसने ना जाने कितने लोगों की बलि दी है और मणि पाने के लिए ना जाने और कितने लोगों की बलि देगा। वो मणि उसे नहीं मिलेगी आनंद, चाहे उसके लिए वो अपनी ही बलि क्यों ना दे दे। नीलम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे छुड़ाया कैसे? तुम्हें ये शक्ति मिली कहां से? ये सब मेरी मां के आशीर्वाद का प्रताप है। अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हें उस मणि तक ले जा सकती हूं। नहीं नीलम, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये मणि हासिल की है वो इसका सुख भोगने के लिए जिंदा नहीं बचा। गोरखनाथ के गुरु भैरवनाथ ने सारी जिंदगी मणि पाने के लिए संघर्ष किया और जब वो मणि के पास पहुंचे तो उन्हें सांपों ने डस लिया और वो मर गए। तुम्हारी मां भी तो मणि का सुख नहीं भोग सकी, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ कार एक्सीडेंट में मर गई। और सबसे बड़ी मिसाल तो भगवान कृष्ण की है, उनकी मौत भी मणि की वजह से हुई थी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? 15 साल गोरखनाथ के साथ रहकर अच्छी बुरी कई बातें मैं जान गया हूं। और ये सब जानने के बाद कौन मूर्ख मणि को पाने की कोशिश करेगा? नीलम, तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, और सबसे कीमती चीज तो तुम हो। आनंद, चलो घर चलते हैं, माँ जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो।